थैंक यू विवेक. सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया पाए एंड यू नो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं बहुत छोटा सा टॉक है 10 मिनट का आई थिंक बहुत यूजफुल रहेगा हम सबके लिए. बेसिकली आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डीवीटी, जिसको बोलते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. मतलब क्या हुआ, हमारी डीप वेन्स, वेन्स का पर्पस होता है जो ब्लड है वो हमारी लेग से हार्ट तक लेके जाते हैं. अगर अंदर वाली मेन वेन्स के अंदर क्लॉट आ जाए उसको हम बोलते हैं डीप वेन्स. डीप का मतलब अंदर, वेन्स के अंदर क्लॉट आना, एंड डीवीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ये हिस्ट्री देखेंगे, यू नो शुश्रुत्रा हमारे इंडियन उसके बहुत पुराने सर्जन थे, तो ही आल्सो रिपोर्टेड इन हिज बुक्स कि भी अगर आपकी टांग सडन ऑनसेट सूजन आ जाए तो वो बीमारी बहुत डिफिकल्ट है. तो आज भी ऐसा होता है कि अगर ऐसे यू नो कहीं पे भी पेरिफेरी में मरीज को डीवीटी डायग्नोस होता है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स उसको बोलते हैं प्लीज आप कड़े बड़े बड़े सेंटर में चले जाओ. सीधा कोई दिमाग भी नहीं लगाता कि क्यों, एंड उसका रीजन ये है कि अगर लेग से क्लॉट ऊपर चले जाते हैं इसके अंदर तो आप इमीडिएटली यू कैन डाई, एंड उसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं अगर आप छोटे सेंटर्स में हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यू नो इशू इज कि वी कैन प्रिवेंट इट. तो कोई भी चीज प्रिवेंट कर सकते हैं वो एजुकेशन चाहिए उसके लिए, एंड एजुकेशन के लिए यू नो ऑल दिस मीडिया एंड प्रेस कवरेजेस एंड समबडी हैज टू टीच, एंड उसके बाद हम टॉक्स करके पब्लिक तक जा सकते हैं, डॉक्टर्स तक जा सकते हैं और हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो अभी जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं यू नो उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि व्हाट वी कैन डू. डीवीटी इज क्लॉट इन द डीप वेन्स, अगर हम इसमें देखेंगे सिंपली यहाँ पे, एंड एंड क्लॉट इन द डीप वेन्स, एंड जो वेन्स के अंदर क्लॉट होता है एंड वो हमारे लेग से टूट के हार्ट के थ्रू लंग्स में चला जाता है, और इस बीमारी को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म ब्लॉक हो जाता है एंड 50% ऑफ द पेशेंट विल डाई ऑन स्पॉट लाइक दिस विद इन फ्रंट ऑफ योर आईज लाइक इन 15 सेकंड्स. कुछ नहीं कर सकते आप, एंड दिस इज सच ए बिग इशू. आप सोचिए कि सडनली पेशेंट बिल्कुल सही था और सडनली पेशेंट डाइज, एंड पेशेंट का टेंडन को समझाना कितना मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखेंगे आपको क्यों कर रहे हैं अप्रैल में फर्स्ट वीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मार्च इज कंसिडर्ड टू बी डीवीटी अवेयरनेस मंथ. किसी को पता है इसके बारे में कुछ आइडिया है? मैंने कई बार पढ़ाया है 2014 में भी, 11 में भी, 10 में भी, यहाँ बट यू मे नॉट रिमेम्बर दिस. तो ही वॉज ए प्रेस रिपोर्टर, ही वॉज ए जर्नलिस्ट आपकी तरह, एंड अमेरिकन जर्नलिस्ट, इराक में काम कर रहा था एंड इराक के अंदर उसने वॉर चल रही थी. तो ही यूज टू सिट फॉर 8 to 9 आवर्स इन ए टैंक ऐसे बैठे, ऑफ कोर्स यू नो, एंड गर्मियां हैं एंड फूड सप्लाई इज लेस, एंड ही वॉज ट्राइंग टू कवर द वॉर. तो 6 मंथ्स ही वॉज कवरिंग द वॉर एंड बिल्कुल सही था, एंड 2 दिन पहले उसकी ड्यूटी खत्म हुई वहां से. तो ही रैन विद हिज वाइफ, मैं वापस परसों फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, एंड एवरीथिंग इज गुड. And next day he developed a DVT and he developed a pulmonary embolism and he died in Iraq. So his wife, you know, was there. उसने देखा कि यार ये क्या बीमारी है कि my husband suddenly died. You know, कोई कुछ भी नहीं रहा, गोली नहीं लगी, but DVT से मर गए. And then she started interviewing people in America. जब उसने 1 लाख इंटरव्यू लोगों को किया अमेरिका में, तब उसको realize हुआ किसी भी पब्लिक पर्सन को इस बीमारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. तो उसने रियलाइज किया कि पीपल डोंट नो कि ये डिजीज हो सकती है. हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अवेयरनेस कम थी, सबको पता था बट अवेयरनेस की बात है, एंड लोगों को पता नहीं था कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को. तो देन शी स्पोकन टू द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग एंड इट स्टार्टेड विद अमेरिका. कहते मार्च जो भी पूरा सेलिब्रेट किया जाए फुल मंथ एज ए डीवीटी अवेयरनेस मंथ, and then it went on through all over the world, and pata nahi lakhon events has happened in the last 10 years and approximately 100 ke upar hum log ne event kiye hain India mein ourselves to create an awareness. Sir, let's go to the precautions. Okay,
So, what just tried, ये होता क्यों है DVT, which is very important, बहुत सारे factors हैं, क्योंकि इसको समझेंगे, तो हमें समझेंगे prevention क्या है, malignancy, pregnancy के बाद DVT हो सकता है, कोई भी viral illness, आपको COVID के बारे में तो पता ही है, तो COVID के अंदर DVT के number went 10 times higher, हर nearly हर third fourth patient COVID के बाद was coming with a DVT, कोई भी patient अगर bed पे लेटा हुआ है लंबे दौरान के लिए टाइफाइड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पोस्ट ब्लास्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी लेग को मूवमेंट रखें, अपने लेग को मसाज करते रहें, क्योंकि ताकि सर्कुलेशन चलता रहे और वो क्लॉट ना बने। कोई भी वायरल इलनेस रहती है, कोई भी पेशेंट मेडिकल इलनेस के कारण लंबे देर तक बैठ कर लेटा रहता है, तो उनको ब्लड थिनर्स या मैनुअल मसाज ऑफ द लेग करते रहना चाहिए। कोई भी मेजर सर्जरी, कैंसर सर्जरी, पेल्विक सर्जरी, फ्रैक्चर सर्जरी, उसके अंदर हर पेशेंट्स को डॉक्टर्स को पूछना चाहिए कि मेरे को प्रोफाइलैक्टिक ब्लड थिनर्स मिले हैं कि नहीं। सो दिस इज इन द गाइडलाइन कि कोई भी मेजर सर्जरी के अंदर हमें ब्लड थिनर्स देने चाहिए पेशेंट्स को। हर पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है एडमिशन पे, उसका थ्रोम्बेटिक प्रोफाइलैक्टिक चेकअप होता है, मींस कि उसको कितना रिस्क है। अगर वो बहुत लो रिस्क है तो जरूरत नहीं है, अगर मॉडरेट टू हाई रिस्क है तो उसको प्रोफाइलैक्टिकली ब्लड थिनर्स देने चाहिए ताकि वो पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, ये इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर आप सोचेंगे मोर देन 5 लाख डेथ्स होती हैं यूरोप में सिर्फ, और अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन डेथ्स हैपेंस इन ईयर पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आप ये वाली स्लाइड देखेंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एड्स आप सबने सुना है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सारी बीमारियों को मिला के जितनी डेथ्स होती हैं डीबीटी से उससे ज्यादा डेथ्स होती हैं। तो बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो। आई एम श्योर कि जितने प्रेस में भी आज लोग बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा इस बीमारी के बारे में, बट आप सोचिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबको पता है, एचआईवी के बारे में सबको पता है, पर उन सारी डेथ्स को कंबाइन करने से भी ज्यादा डेथ्स होती हैं। यूएस के अंदर आज के डेट में इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर सबसे कॉमन कारण मरने का डीबीटी है, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कारण है। पहले लोग सोचते थे इंडिया में नहीं होता, पर अभी इतना सारा डाटा हमारे इंडिया से है कि इंडिया में भी डेथ्स होती हैं। हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर हम बहुत प्रिवेंट करते हैं, हर पेशेंट जो एडमिट रहता है उसका प्रोटोकॉल है कि उसको प्रोफाइलैक्सिस हम दे सकें। पता कैसे लगता है पेशेंट को डीबीटी है? सडनली अगर आपकी टांग में एक टांग सूज गई, जैसे ये पतली है ये टांग सूज गई, तो सडन ऑनसेट स्वेलिंग इन द लेग इज अ कॉज ऑफ, आपको डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को डीबीटी हो सकता है, उसको इमीडिएटली जाके चेकअप कराना चाहिए। सडनली ये टांग पतली है, ये टांग पूरी सूज गई, तो अगर आपको सडन ऑनसेट आपकी टांग सूज गई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि आपको डीबीटी हो। इस तरह के क्लॉट्स देखते हैं सीटी स्कैन के अंदर, ये वेन्स हैं जो ब्लड ऊपर लेके जाती हैं, तो ये क्लॉट फॉर्मेशन जो हो देख रहे हैं एरो से, इसको हम डीबीटी बोलते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान है इसका, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। पहली बात तो प्रिवेंट करना चाहिए, बट अगर हो जाए डीबीटी, इसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली लिया जाए, इट्स जस्ट विद मेडिसिंस। आजकल मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई है ब्लड थिनर्स कि हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। एक यंग गर्ल फ्रॉम यूके मरवा तो साल पहले आई थी, इसको डीबीटी हो गया था। तो सेकंड पेशेंट, सेकंड सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो यंग हैं, अगर फिट हैं और लेस देन 14 डेज के बीच बीच में हमारे पास क्लॉट से आ जाएं, तो उनका हम क्लॉट निकाल सकते हैं एक सुई के रास्ते। तो ये पेशेंट है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर वेन्स के अंदर पूरे क्लॉट ही क्लॉट है, ये ब्लैक कलर इज द ब्लड, ये व्हाइट कलर जो क्लॉट भरे हुए हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने ये सारे क्लॉट मशीन से सकअप कर लेते हैं, वेन से सारे निकाल देते हैं, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे पूरी वेन में से क्लॉट क्लियर हो जाते हैं, तो पेशेंट को क्लॉट माइग्रेशन के चांसेस और वो सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। सो इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो दैट इज प्रिवेंशन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रिवेंशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यू नो प्रिवेंशन जो हमें करना चाहिए इज द ट्रैवलिंग में। अगर आप इसको बोलते हैं इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम बोलते हैं, इसके इट्स अ टर्म इन द गूगल यू कैन सर्च। बेसिकली एनीबॉडी हु हैज अ हायर रिस्क फॉर डीबीटी, तो अगर वो जैसे अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा, लॉन्ग फ्लाइट्स, एंड दे मस्ट हैव अ प्रिवेंशन, बिकॉज़ इंपॉर्टेंट है उनको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए फ्लाइट में, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए,
फ्लाइट के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूवमेंट्स करते रहनी चाहिए। अगर आप फ्लाइट के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज भी क्यों नहीं है कि आप अपने पैर हिलाते रहिए सारे इस तरह करके ऐसे ऐसे करके हिलाते रहिए पैर, वो इसीलिए है ताकि काफ मसल्स मूव करते रहें और हमारा ब्लड मास्टेसिस ना हो और हमें क्लॉट्स ना बने। सेकेंड इज अगर आप हाई रिस्क पे हो तो आपको ब्लड थिनर्स फ्लाइट से पहले ही शुरू करना चाहिए। थैंक यू सर। ये जनरली 16 आवर्स की फ्लाइट जर्नी में भी हो सकता है? 8 आवर्स की, मोर देन 8 आवर्स फ्लाइट वी शुड असेस दैट पेशेंट, हर पेशेंट और जो भी अगर उसको हाई रिस्क है कि नहीं है। कार्डियक सर्जरी जिनकी हुई है उनको हैं चांसेस? कार्डियक सर्जरी वालों को से इसका लिंक नहीं है नॉर्मली, क्योंकि कार्डियक सर्जरीज जो होती हैं दे आर लिंक्ड टू द आर्टेरियल प्रॉब्लम्स, वो आर्टरीज की प्रॉब्लम्स है नॉर्मली। बट अभी कुछ डाटा आ रहा है जैसे arteries problems and veins problems are also linked because there is a small higher risk. But at the same time, cardiac patients जो होते हैं वो blood thinners में already होते हैं। होते हैं। तो अगर already वो blood thinners में हैं, तब हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो Brilinta works for this? Brilinta is an antiplatelets. Antiplatelet. Antiplatelet. तो इसमें anticoagulants चाहिए होते हैं। Coagulants. अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हमारी arteries block होती हैं, तो normally हम antiplatelets use करते हैं, जैसे Ecospray. और अगर veins की problems होती हैं, तो anticoagulants use करते हैं, warfarin, acetron, dabigatran, you know, the name drug, rivaroxaban, pixaban, you know, enoxaparin, what sort of name drugs? So DVT also leads to varicose veins somehow. DVT से अंदर की main veins खराब हो जाती हैं हमारी, and DVT is one of the major causes जिससे varicose veins होती हैं. Is the one of the reason. One of the prophylaxis is a surgical procedure or a medicinal procedure? Prophylaxis मैंने बताया क्या है? आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेटे हुए हो बेड पे और mild risk है, तो आप कुछ नहीं करना। Leg movements करते रहिए, knee को fold, knee को straight, gentle सुबह शाम massage करें। Patient अगर अपने पैर हिला सकता है, तो अपने पैर हिलाता रहे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। Basically क्या है? अगर हम अपना calf में हमारा pump होता है और foot में एक pump होता है, अगर वो दोनों पंप्स को हम अगर यूज नहीं करेंगे किसी भी टाइम पे, तो ब्लड वॉन्स स्टैटिक हो जाएगा और ब्लड स्टैटिक होने से हमारे को क्लॉट्स बन जाएंगे। सर हाउ मेनी आर द चांसेस फॉर सडन डीवीटी? सडन डीवीटी होता मोस्टली सडन, कुछ सिम्टम्स तो दिखाता होगा। यस वही बताया ना आपको। सो नाउ 50% ऑफ द डीवीटीज आर एसिम्प्टोमेटिक। किसी भी मरीज को ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है and that's why prevention is very very important. Sir, PGA test. Sir, test से ज़्यादा clinical है. अगर आप patient कोई भी हो जिसको leg swelling हो जाए और pain हो रही हो leg में, they must get a ultrasound done, a Doppler ultrasound. Ultrasound is nearly 99% sensitive, very sensitive test to pick up the clots. Sir, ये leg problem ही है कि वोट के problem हो सकती है? क्योंकि मेजर जो पंप है हमारी बॉडी में, जो सारा सर्कुलेशन चल रहा है, एक हार्ट पंप करता है ऊपर से ऐसे और वापिस कैसे आएगा ब्लड? वापिस आता है लेग के पंप से। तो दो मेजर पंप्स है। अगर हार्ट फेल हो गया तो क्या होता है? सारा ब्लड रुक जाता है, आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। एंड अगर लेग की पंप फेल हो जाता है तो हमारे को ब्लड वापस नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन इज कि ट्रीटमेंट कितना आता है? देखिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट सिर्फ दवाइयों से ठीक होते हैं, इसमें 95% ऑफ द पेशेंट सिर्फ मेडिसिन चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200 rupees a day ट्रीटमेंट, that's very cheap. So ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड एक्चुअली टॉकिंग द पेशेंट इज पुअर, यू कैन ऑल्सो चूज फॉर मोर चीपर ड्रग्स आर ऑल्सो अवेलेबल to treat it. So the treatment is not difficult and it's cheap. Precautionary supplements are these? No, because supplements are not coming. Precautions are not coming. Your pump exercises, dehydration, like runners.
अगर वो समर्स में अगर रन करेंगे एंड अपने आप को डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट नहीं करेंगे तो देन देयर आर चांसेस दे कैन डेवलप अ क्लॉट. जिम पीपल, जिम वाले लोगों में होती है, एक्सरसाइज करे जा रहे हो बट दे आर नॉट हाइड्रेटिंग देमसेल्व्स. सो वंस द ब्लड डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड बिकम थिक एंड यू कैन डेवलप अ क्लॉट इन द लेग्स. थर्ड इज इफ यू टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, दे कैन आल्सो कॉज यू डीप वेन थ्रोम्बोसिस. फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस से फर्क नहीं पड़ता, फूड से ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. अच्छा, कोई ऐसा फूड से जो लेना चाहिए इट ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ इट्स नॉट रिलेटेड टू योर फूड. सो यू कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑफ कोर्स स्मोकिंग. आई होप फूड इज नॉट कम अंडर स्मोकिंग. सो स्मोकिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डीवीटी, सो वी शुड नॉट. अल्कोहल यू कैन टेक, इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू डीवीटी थ्रोम्बोसिस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.